इस साल आप सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आपकी ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, ऑनलाइन ही चल रही है। अभी धीमे धीमे आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तरफ बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे बोर्ड परीक्षा को लेकर के। जो सबसे अहम सवाल है, जो सबसे बड़ा आपका सवाल होता है कि सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किस तरह से अपनी कॉपी को हम रिप्रेजेंट करें कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड परीक्षार्थी हैं और आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस साल आपकी चीज़ें बहुत अलग हैं कंपेरिजन टू अदर ईयर्स के। इस साल आप लोग ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से ऑनलाइन क्लासेज आप पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस बात की खबर हर बोर्ड को है, हर बोर्ड को पता है कि इस बार आपकी पढ़ाई थोड़ी सी टफ हो गई है, क्योंकि सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी हो रही है, क्योंकि आप लोगों की आदत नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक 10th 12th के स्टूडेंट के बारे में माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, तो बोर्ड एग्जामिनर की माइंड में ये बातें हैं कि आपके साथ इस समय क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशंस चल रही हैं। इसमें सवाल यह उठता है कि आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, क्या वह चीज़ें करें जिससे आप बोर्ड में अधिक से अधिक स्कोर करें। सबसे पहले बात जान लीजिए, जब भी बोर्ड की एग्जाम होते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर्स को सीधे सीधे कहा जाता है कि आपको बच्चों को फेल नहीं करना है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा खराब उसने लिखा है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको पता रहता है बोर्ड सीधे सीधे कहता है कि हमारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप देखते हो इतना अच्छा परसेंटेज आते हैं सभी के, अधिक से अधिक स्कोर मिलता है। आखिर टॉपर में वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, बच्चे में वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको एग्जामिनर देखता है और जिनमें आपको अपनी कॉपी में शामिल करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका एफएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2021 में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, किसी भी बोर्ड का उद्देश्य नहीं होता कि आपको फेल किया जाए। अगर आप कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हो या फिर आप कॉपी ब्लैंक छोड़ते हो या फिर आप क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट करते हो तभी आपकी चीज़ें ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। बोर्ड परीक्षार्थी को ये सीधे सीधे बोर्ड एग्जामिनर जानते हैं और आपको कुछ ना कुछ अंक दे करके पास कर दिया जाता है। सबसे पहली बात, एक कॉपी में, एक नोटबुक में जो एग्जामिनर देखता है वो आपकी देखता है रिप्रेजेंटेशन स्किल, आपने किस तरह चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। देखिए नॉलेज कम रहता है तो भी चल जाता है, लेकिन आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई कैचिंग होता है, यानी एग्जामिनर उसको देखता है कि किस तरह से इसने, जितना इसको नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोग अपने क्लास में देखते होंगे कि उनको नॉलेज बहुत होता है, क्लास में वो बताते भी बहुत हैं, ओरली वो बहुत अच्छे होते हैं, पर रिटेन में जब वो जाते हैं तो वो फेल कर जाते हैं, उतना अच्छा नहीं लिख पाते और आपको आश्चर्य होता है कि अरे इतने इसके अंक कैसे कम हो गए। लेकिन वही आपका दूसरा दोस्त जो क्लास में कम बोलता है और रिटेन में अच्छा कर लेता है, उसका जब रिजल्ट आता है तो आपको लगता है कि ये तो क्लास में कुछ भी नहीं बताता था पर इसका रिजल्ट कैसे आ गया इतना अच्छा। तो वही चीज़ें होती हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसा है ये बहुत मैटर करता है एक बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, यानी कि क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है फिर भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आंसर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके, आपसे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया, तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर आपको ईयर नहीं भी पता है तो फिर भी बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उससे रिलेटेड आंसर लिखिए, यानी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ कट होने ही हैं। इसीलिए आपको हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट न करें, जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो फिर भी आपको आधा या 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाता है, अगर आप उससे रिलेटेड आंसर लिखते हो तो एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है, फिर भी एग्जामिनर देखता है कि हाँ इसको जो भी नॉलेज था इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है तो मैं कैसे स्कोर करूँ बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक। तो सबसे पहले जान लीजिए राइटिंग मैटर करती है, लेकिन राइटिंग से ज़्यादा मैटर करती है क्लियरिटी, आप क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स आपकी कैसी, आप शब्दों को जो लिख रहे हैं क्या वह क्लियर हैं, क्या वह पढ़ने के लिए सही हैं। एक बात जान लीजिए, अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर की कॉपी, अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में डिफिकल्टी होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे और आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम पे। इसलिए जब भी अपनी कॉपी लिखें तो क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स लिखें, वर्ड्स के
के बीच में स्पेस दें, शब्दों के बीच में स्पेस दें, लाइंस के बीच में स्पेस दें। इससे क्या होता है कि जानर को आसानी से कॉपी आपकी पढ़ता है, और जब आपकी कॉपी आसानी से पढ़ता है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी लिखनी चाहिए। अब बात आती है सबसे अहम चीज़ क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप एक नोटबुक जब लेते हैं, आप कोई भी नोटबुक लेते हैं, तो आपकी अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग अच्छी करी तो मैं इसमें इस कॉपी में अच्छे से लिखूंगा। कंपैरिजन को अगर आपकी रफ नोटबुक होती है तो आप उसमें रफली लिखते हो तो आपको देख के लगता है कि हाँ, ये रफ कॉपी है तो मुझे इसमें रफ करना है। लेकिन फेयर में होता है कि हाँ, मुझे इसमें सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखना है ताकि मुझे समझ में आए। उसी तरह बोर्ड एग्जाम की भी कॉपी है, आपका जो पहला पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन से भी आपको आए स्टार्ट वहीं से करें। आप यह ना सोचें, आप ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, नहीं, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे तरीके से आता है स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज में, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को लिखें, क्योंकि उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, उसमें आप अच्छा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हो तो ये भी अच्छा है, पर ऐसा नहीं होगा कि हर परीक्षार्थी को हर क्वेश्चन आता होगा। इसलिए आपको जो सबसे अच्छे से आंसर आता है, सबसे अच्छे से जो क्वेश्चन आता है, उसका क्वेश्चन नंबर डाल के उसके नीचे आंसर नंबर डाल के उस आंसर को लिखें, उस आंसर को फ्रेम करें। इससे होगा क्या, एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ, लड़के को नॉलेज है और ये अच्छा लिख रहा है, तो उसको आपके आपकी कॉपी से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और वही पॉजिटिव वाइब्स आपको अंक दिलाएंगी बोर्ड परीक्षा में। अगली बात, आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको 10 वर्ड लिखने के लिए कहा गया तो आप 20 से 25 वर्ड लिखें। नहीं, आप हमेशा पेपर में वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखें, वर्ड लिमिट कितनी दी गई है इस बात का जरूर ध्यान रखें, उसी हिसाब से आंसर लिखें। अगर एक नंबर के क्वेश्चन में 20 वर्ड कहा गया है तो 20 वर्ड लिखें, 2 नंबर में 40 से 50 वर्ड तो उतना ही लिखें। वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान होना चाहिए। आप क्वालिटी आपकी मैटर करेगी, क्वांटिटी नहीं। आप कितना ज़्यादा लिख रहे हैं इससे मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा लिख रहे हैं। किसी भी आंसर को ध्यान रखें, स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से करें, स्टार्ट ऑन अ हाई नोट। आप जब भी आंसर को लिखें तो बहुत अच्छे हाई नोट से आंसर को स्टार्ट करें, और अगर आपके बीच में गलतियां भी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निग्लेजिबल मानी जाती हैं, लेकिन आपको आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहां पर एक्यूरेट चीज होनी चाहिए। अगली बात, आप एक बात और जान लीजिए, हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। देखिए, पैराग्राफ पढ़ने में क्या होता है कि पैराग्राफ एग्जामिनर उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो पॉइंट वाइज आंसर छोटे छोटे होते हैं और लंबे होते हैं, लेंथी आंसर होते हैं, आसानी से इजिली आदमी पढ़ लेता है। कोई भी एग्जामिनर होगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, मैं इजिली इसको पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आप आंसर को पैराग्राफ में लिखने से बचें। देखिए, पैराग्राफ में होता क्या, गलतियाँ उसमें होती हैं। पॉइंट वाइज आप लिखते हैं तो छोटा छोटा आप लिखते हैं, लेकिन एक्यूरेट आप लिखते हैं पॉइंट वाइज में। पैराग्राफ में इधर उधर की चीज़ें भी आती हैं और पैराग्राफ कोई पढ़ने उतना जाता नहीं है, पैराग्राफ में एक्यूरेसी नहीं रहती है, क्योंकि एग्जामिनर की केवल आपकी यही कॉपी नहीं है, तो कई सारी कॉपी चेक करनी होती है एक दिन में, उसका एक टारगेट उसको दिया जाता है, उसी हिसाब से आप कॉपी चेक होती है, इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि 2021 की परीक्षा एक चैलेंज कैसे है। तो सबसे पहले जान लीजिए, 2021 की परीक्षा एक चैलेंज भी है, लेकिन एक साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आई है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बातें पता है कि आपने चीज़ें ऑनलाइन सीखी हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं रहे हो, टीचर्स आपके सामने नहीं रहे हैं, आप ऑनलाइन जितना सीख पाए हो उसी हिसाब से अपनी कॉपी लिखी है। तो इस बार ये मान के चलिए कि पूरी तरह से लिबरल मार्किंग होगी, आप ये जान लीजिए, टफ मार्किंग इस बार नहीं की जाएगी, और पेपर का जो लेवल है उस पर भी हमने वीडियो बनाई, आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा, पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। 90 से 95% पेपर इस बार, 90% पेपर जो आपका होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। हो सकता हो कि 10% क्वेश्चन डिफिकल्ट इंक्लूड किए जाएं, पर इस बात को जान लीजिए, 2021 की परीक्षा आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को जानिए कि इस बार आपकी लिबरल मार्किंग होगी, तो आपकी जब लिबरल मार्किंग होगी तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कॉपी में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड आंसर लिखें, एक्यूरेट आंसर लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और क्लियरिटी रखें, अपने थॉट में क्लियरिटी रखें। आप आंसर में जो लिखना चाहते हो वो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो एग्जामिनर को। ऐसा ना हो कि आप चीज़ें कहीं और लिख रहे हो, क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा गया है, आप कुछ और चीज़ें लिख रहे हो। इसमें आपकी 3 चीज़ें बहुत काम आती हैं, एक आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल, एक आपकी राइटिंग स्किल और आपकी मेंटल स्किल। आप किस तरह से कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किस तरह से आंसर्स को लिख रहे हो, राइटिंग स्किल और आपका मेंटल स्टेट क्या है जब आप आंसर को लिखते हो, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्या आप उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, क्या आप आंसर से कनेक्ट करा पा रहे हो एग्जामिनर को। देखिए, मेंटल स्किल का यहीं पर काम होता है, क्या आप अपने आंसर से एग्जामिनर कनेक्ट करा पा रहे हो या नहीं, क्या एग्जामिनर आपकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं, आप कनेक्ट हो रहे हो, क्या एग्जामिनर आपकी बातों को समझ पाएगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, आंसर को इजी लिखना चाहिए, बहुत टफ वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, इजी, सिंपल और एक्यूरेट, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक भी आंसर को जब आप फ्रेम करते हो। इसीलिए बोर्ड परीक्षा 2021 में कॉपी इसी तरह से आपको लिखनी है। कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए और दोस्तों अपने व्यूज को जरूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी बातें हैं जो आपको समझ में आई, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई, किस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट मेंशन करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं वीडियो के माध्यम से पूरी सॉल्व करूंगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।